मानसून सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश आ चुका है। सोनभद्र के जिला मुख्यालय और चुर्क सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि सोनभद्र में मानसून 20 जून तक ही आता है, मगर इस बार 3 दिन लेट हुआ है। गुरुवार को प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में जमकर बारिश हुई। हाल ये रहा कि वाराणसी में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया और रोड ध्वस्त हो गई। बारिश की वजह से यहां के औसतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा, प्रयागराज में 36 डिग्री सेल्सियस रहा और वाराणसी में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लखनऊ, कानपुर समेत वेस्ट यूपी के जिलों में तापमान में कोई कमी नहीं आई है। लखनऊ में गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। मानसून आने में हो रही देरी के कारण लोग परेशान हैं। गुरुवार को उमस भरी गर्मी ने परेशान किया, तापमान एक बार फिर 48 डिग्री पार कर गया है। 23 जून बीतने के बाद भी मौसम विज्ञान केंद्र ये जानकारी देने में फेल हो रहा है कि मानसून की बारिश कब आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह तक बहुत तेजी गर्मी तो नहीं होगी, लेकिन 3 दिन बाद मानसूनी हवा के कारण तापमान 38 डिग्री तक हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में 4 दिनों तक लोगों को उमस के साथ गर्मी झेलनी पड़ेगी। गुरुवार को कानपुर यूपी का सबसे गर्म जिला माना गया। यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मेरठ, बुंदेलखंड, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ में कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।